ममता बंदोपाध्याय से पूछना चाहती हूं कि जिस फिल्म में आतंकवादी गिरोह का पर्दाफाश हुआ है, जिस फिल्म में रियल लाइफ विक्टिम्स फिल्म के अंत में समाज से, राष्ट्र से, राजनीतिक दलों से अपील कर रही हैं, मदद की गुहार लगा रही हैं, ऐसे में ममता बंदोपाध्याय ने विक्टिम लड़की और परिवार का समर्थन करने की बजाय टेरर ऑर्गेनाइजेशंस का समर्थन क्यों किया? ये फिल्म आतंक और आतंकवादियों के खिलाफ है। अगर आपने इस फिल्म को अपने प्रदेश में प्रदर्शित करने से रोका है तो आप देश को ये संकेत और संदेश दे रहे हो कि आप आतंक के समर्थक हो, महिला सुरक्षा और बेटियों की सुरक्षा के समर्थक नहीं हो। आज मैं देश के हर माता पिता से अपील करना चाहती हूँ। कुछ लोगों के लिए ये फिल्म कल्पना है, बहुत सारी लड़कियां और उनके परिवारों के लिए केरल प्रदेश में यह हकीकत है। फिल्म के अंत में रियल विक्टिम्स का स्टेटमेंट, जो पीड़ित परिवार हैं वो स्वयं कैमरा पर आकर देश से अपील कर रहे हैं। साल 2017 में नेशनल कमीशन फॉर विमेन ने एंट्रैपमेंट और रिलीजियस कन्वर्जन्स के संदर्भ में एक कमिटी के माध्यम से केरल पुलिस को कुछ तथ्य सौंपे थे। ये सार्वजनिक जानकारी में भी विषय है। वो राजनीतिक दल जो लड़कियों के एंट्रैपमेंट, फोर्सिबल कन्वर्जन और आइसिस ब्राइड्स को झुटलाते हैं, उनसे मैं अपील करना चाहती हूं। ये फिल्म आतंक और आतंकवादियों के खिलाफ है। अगर आपने इस फिल्म को अपने प्रदेश में प्रदर्शित करने से रोका है तो आप देश को ये संकेत और संदेश दे रहे हो कि आप आतंक के समर्थक हो, महिला सुरक्षा और बेटियों की सुरक्षा के समर्थक नहीं हो। मैं आज राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित इस विषय पर विशेष रूप से जनता से कहती हूं कि वो उन राजनीतिक दलों का विशेष निषेध करें जिन्होंने इन फिल्मों के माध्यम से जो तथ्य सामने आए हैं उनका बहिष्कार करने का दुस्साहस किया है। आइसिस ब्राइड्स, इंडॉक्ट्रिनेशन, ये एक हकीकत है और जिस जिस राजनीतिक दल ने इस हकीकत को स्वीकार करने से इनकारा है उन राजनीतिक दलों पर यह आरोप है कि वो महिला के एंट्रैपमेंट और महिला को आतंकवादी गतिविधियों में ट्रैप करने का समर्थन कर रहे हैं। दिस इज अ वेक अप कॉल फॉर पेरेंट्स, यंग विमेन। Reports and appeals from victims and families to the police in the state of Kerala. Every political party that stands in opposition of this film stands with terrorist organizations. That is my belief as a parent. This film depicts entrapment of young women, forcible conversion of young women so that they can be trapped by terrorist organizations. Those political organizations that disallow citizens of our country from viewing this
are standing in support of such terror methods. My appeal to parents, society at large, is that this film is a wake-up call. It is not infotainment. It is not entertainment. The lives of young girls, how is it put at stake? This film is a testimony to it. I will say, एक सेकेंड, मेरा एक तो निवेदन है, जो पुरुष पीछे लड़ रहे हैं ना, वो थोड़ा शांत रहे. शशि थरूर की ये कहानी नहीं हो सकती, क्योंकि शशि थरूर की कहानी का वास्ता उस साधारण महिला से नहीं है जिसको केरल में एंट्रैप किया जाता है, फोर्स किया जाता है, और ऐसी लड़कियों का बलात्कार अथवा उनका फोर्सफुल कन्वर्जन कल्पना नहीं है. राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा ये रिपोर्ट 2017 में कुछ केसेस के बारे में ऑलरेडी प्रस्तुत की जा चुकी है. जो जानबूझकर इस सत्य को नकार रहे हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय खबरों को ना नकार सकते हैं. अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज ने इस विषय पर जो टिप्पणियां की हैं, एविडेंस प्रस्तुत किए, ना उनको नकार सकते हैं. वो देश में भ्रम की स्थिति विकसित ना करें. इफ यू बिलीव ट्रूली इन प्रोटेक्टिंग द विमेन इन आवर कंट्री एंड स्पेशली इन द स्टेट ऑफ केरला, डू नॉट स्टैंड अगेंस्ट दिस फिल्म. Stand against terrorism. My appeal to the government in the state of Maharashtra, those who threaten the filmmaker for speaking out against terrorism, action under the law should be taken. It is astounding that a political leader threatens not those individuals that try to entrap young girls and sell them or convert them forcibly, that they stand against those filmmakers who speak the truth. Such political entities should be severely acted upon. This is an issue of security and hence should be dealt with forcefully under law. मैं दोबारा कह रही हूँ, ये मुद्दा काल्पनिक नहीं है. इस पर नेशनल कमीशन फॉर विमेन की रिपोर्ट 2017 में एक विषय में कमिटी के माध्यम से केरल पुलिस को प्रस्तुत कर दी जा चुकी है. जैसा कि फिल्म में आपने देखा, अंत में लड़कियां जो विक्टिम है, परिवार जो विक्टिम है, वो कैमरा पर आकर बोल रहे हैं बेखौफ. What stops political organizations from standing up for the people and especially young girls? Why would they want to support terrorist organizations? It is beyond me. And that is why citizens should demand that political parties in this country should make their stand known. ममता बंदोपाध्याय से पूछना चाहती हूँ कि जिस फिल्म में आतंकवादी गिरोह का पर्दाफाश हुआ है, जिस फिल्म में रियल लाइफ विक्टिम्स फिल्म के अंत में समाज से, राष्ट्र से, राजनीतिक दलों से अपील कर रही हैं, मदद की गुहार लगा रही हैं, ऐसे में ममता बंदोपाध्याय ने विक्टिम लड़की और परिवार का समर्थन करने की बजाय टेरर ऑर्गेनाइजेशंस का समर्थन क्यों किया? आज मैं
भाई साहब थोड़ा पीछे चले जाए, पीछे चले जाए भैया, थोड़ा सा पीछे। एवरीबडी स्टेप 1 2 3 स्टेप्स बैक प्लीज, प्लीज पुट द माइक। तो देखिए यहाँ पर जो है वो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने, देखिए तमाम जो महिला मोर्चा है उनके